मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं मन्नत देवी क्रिश्चियन कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ। मेरी घरवाली कोविड में आज 3 दिन से भर्ती है। कौन सी जगह पे? वार्ड नंबर 3 में, दीनदयाल हॉस्पिटल में। हाँ, दीनदयाल हॉस्पिटल। अच्छा। तो मेरे बच्चे खाना लेके शाम को आ रहे थे 7 बजे करीब। हाँ। तो गलत मतलब रूल से थे कि 3 जने थे। हाँ, 3 लोग यहाँ आ रहे थे। हाँ। खाना लेकर के स्कूटी पे पुलिस ने उन्हें रोका और रुक गए। पुलिस ब्लेम लगा रही कि इन्होंने हाथापाई करी, गाली दी, उनको सिविल लाइन थाने में बंद कर लिया है। सिविल लाइन थाने बंद कर दिया है कल शाम को 7 बजे। जबकि वो इस तरह के उसमें नहीं थे, केवल पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब वो उनपे 151 धारा लगा दी गई है। अच्छा, धारा लग गई। 9 बजे गया हूँ तो कहने लगे कोर्ट से जमानत होगी तुम्हारी। हाँ, कोर्ट से होगी धमा अब तो। ठीक है। हाँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, मैंने कहा उनकी मम्मी यहाँ बीमार है, उनको पता चलेगा, वो भी टेंशन में हो रही है। भाई दहशत में ही मरता है कोरोना में आदमी, जब इलाज करवा रहा हूँ दहशत तो ना हो, एक और दहशत पैदा हो जाए। हाँ। तो मैंने उनको खूब रिक्वेस्ट करी लेकिन वो लोग नहीं माने। तो आप रहने वाले हैं बन्ना देवी के पास, क्रिश्चियन कॉलोनी के, और घटना हुई है दो सिविल लाइन जोधपुर थाने में। हाँ। और बच्चे जो है 151 में पुलिस ने बंद कर दिए। आज मेरे से सुबह कहा गया जो दूसरे लड़के थे उनसे कहा 5,000 रुपए देना, तो हम वकील बुला के थाने में जमानत करा देंगे। हाँ। अगर 5,000 रुपए खर्च कर सकते हो तो 1,000 रुपए उन्होंने ले लिए हमसे। हाँ। और बोले कि 10-11 बजे तुम्हें कोल तहसील में जाकर जमानत करवा देंगे वकील पे। अब तो वो जमा वहीं होगी। हाँ, लेकिन अभी तक वो थाने में ही है। हाँ, अभी जाएंगे। 2 बजे का टाइम दे रहे हैं। हाँ, वो जाएंगे। कल से भूखे प्यासे हैं बच्चे। चलो ठीक है।